ओके सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट अगेन। अब मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर से रब कर रहा हूँ एंड ठीक है। तो अब मेरे पास जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है 002, तो ये जेड एक्सिस पर चला गया। तो 00 वाला पॉइंट मेरा कौन सा होगा, जहाँ पर मेरी एक्स एक्सिस भी जीरो है और वाई एक्सिस भी जीरो है, तो दिस विल बी जीरो। तो ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पर मैं अभी शो कर रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिन जो है, दिस विल बी 00। लेकिन यहीं पर मेरी z एक्सिस की वैल्यू 2 है, तो मतलब इसी पॉइंट के ऊपर दो यूनिट्स। तो मैं यहां पर एक z एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। लेट अस से दिस इज z एक्सिस, ठीक है। अब z एक्सिस पर अगर मैं दो यूनिट मूव करूंगा तो ये मेरे पास बन गया ये वाला पॉइंट 002। अब इस पॉइंट पर मैं जाना चाहता हूं, तो अब आप ये देख सकते हैं मेरे पास दो वायर्स हैं। तो ये वाली वायर जो है मेरे पास फर्स्ट वायर, उसका यहां से डिस्टेंस कितना है 2, और ये हाफ वायर की तरह एक्ट करेगा, और ये भी हाफ वायर की तरह ही एक्ट करेगा। लेकिन यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ओके ओके, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ओके, तो अब यहां पर, मैं दो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने वाला हूं। एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर अपवर्ड्स बन रही है, तो ये आ गया B1, और मैं अगर सेकंड वायर के ऊपर मैं पाम रूल यूज करता हूं तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B2। तो अब यहां पर मेरे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मुझे बनाना पड़ेगा। तो B1 कैसे बनेगा, बिल्कुल वैसा ही μ0/4πI/R साइन अल्फा, तो वो आपका एक जीरो हो जाएगा, एक 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं अब इसको वापस से इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास बन गया म्यूनिट आई बाई आर, और आई मेरे पास 5 एम्पियर है और आर मेरे पास 2 है इन बोथ ऑफ द केसेस। तो B2 इज ऑल्सो दिस म्यूनिट बाई 4πI/R। मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, और इनका अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड करूंगा तो मुझे पता है यहाँ पर ये दोनों वैक्टर्स हैं, तो यहाँ पर मेरे पास एक रिजल्टेंट आएगा। चाहे आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लो, a² + b² + 2ab cos थीटा इसका स्क्वायर रूट, और या फिर आप कह दो क्योंकि 90 डिग्री है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हो, और क्योंकि a और b दोनों इक्वल हैं तो मैं डायरेक्ट इस कंक्लूजन पर पहुंच सकता हूँ कि रिजल्टेंट विल बी √2। तो मेरे पास एक ही बार में यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ 5/2√2। ये बनेगा मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द केस नंबर 3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस बच्चे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।